नमस्कार। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं खूबसूरत महिलाएं मेरे आसपास खड़ी हुई है, तो आज आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत महिलाएं उपस्थित है, तो आज हम लोग इनके साथ इंजॉय करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इन खूबसूरत महिलाओं के साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इन महिलाओं ने, खूबसूरत महिलाओं ने अपना बहुत ही कीमती समय आज हम लोगों को दिया है, तो आज हम लोग इनके साथ रॉक करने जा रहे हैं। तो चलिए मनोरंजन की शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं पावर पफ की डायरेक्टर अनीता नेथानी जी से आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है उसके उपलक्ष्य में कुछ जानकारी लेते हैं। हेलो मैम। हेलो। मेरा ये पावर पफ गर्ल का छठा साल चल रहा है। ये मेरे पावर पफ गर्ल्स के गर्ल्स है, ब्यूटीफुल गर्ल्स। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। आज इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कि बोल बेबी बोल और टिक टैक टो और रील्स कंपटीशन भी होगा, तंबोला होगा। अप्रैल का महीना है, उसी थीम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस इवेंट का आयोजन किया है। तो आज आप लोग रॉक करने जा रहे हैं सारे खूबसूरत महिलाएं। यस, आज हम लोग सिग्नेचर ग्रिल में रॉक करने जा रहे हैं। ये मेरे ब्यूटीफुल गर्ल्स है, सभी ये हाँ पावर पफ गर्ल्स के ब्यूटीफुल गर्ल्स है। ये पावर पफ गर्ल्स के ब्यूटीफुल गर्ल्स है, ये सारे अराउंड जो भी मेरे पास है, ये हिप्पी हुर्रे। आज पावर पफ गर्ल्स सब लोग आज फ्लोरल प्रिंट पहन के आए हैं, फुल गार्डन गार्डन हो गया आज। हाँ गार्डन गार्डन हो गया। ये मेरे गार्डन की कलिया है, एक एक फूल बहुत ही निखर के आया है आज। एक सेकंड, पावर पफ गर्ल का ये एक सुंदर गार्डन है, हर एक कली आज बहुत सच कर आई है, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से खिल रही है। ये मेरे चमन के बाहर है सारे सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये मेरे पावर पफ गर्ल्स के चमन है, आज ये लोग सभी लोग फ्लोरल प्रिंट में आए हैं। ये एक एक कलिया आज इतनी अच्छी लग रही है, मैं तो बस इन्हीं को देख रही हूँ आज। ब्यूटीफुल गर्ल्स हाय, आज ये सभी लोगों से मिलकर एक मेरा एक गार्डन तैयार हुआ है। ठीक है पावर पफ गर्ल्स, ठीक है पावर पफ गर्ल्स, हाँ उस गार्डन का नाम है पावर पफ गर्ल्स। Not fools, we are flower. तो आइए हम इस शानदार प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पावर पफ गर्ल्स के साथ प्रोग्राम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं भव्य कार्यक्रम की। आज कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले हम लोग बोल बोल बेबी बोल ये गेम खेलने जा रहे हैं, तो सारे लेडीज ये गेम खेलेंगे। बोल बेबी बोल, इडली है गोल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू अनीता फॉर द लवली समर स्पेशल फ्लावर थीम। थैंक्स अनीता फॉर लवली प्रोग्राम। थैंक यू सो सो मच अनीता, वी लव यू सो मच एंड वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ सो मच। जैसे कि इस ग्रुप का नाम है पावर पफ गर्ल और ये अपने नाम को एकदम सार्थक करता है, ये हमें पावर देता है और हमको एकदम हम एकदम पावरफुल फील करते हैं आके और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच अनीता। अनीता इज ऑलवेज लकी, जिस दिन इसका होता है हम लोग कोई प्रोग्राम में अटेंड नहीं करते। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनीता। ये हमारी ग्रुप की पतली सी लड़की है, बहुत पतली और सबसे पतली, ये हमारी ग्रुप की सबसे पतली लड़की है। हाय, सच में बहुत पतली हूँ मैं, सच में बहुत बहुत पतली, पूरे ग्रुप में मैं एक ही जो इतनी पतली। और ये सबसे मोटी लड़की है, आप इन्हें देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा मोटी लड़की है, कृष्ण प्रिया, कृष्ण की प्यारी प्रियदर्शनी कृष्ण प्रिया। अभी हमारे पास अभी हम लोग रील्स कंपटीशन रखा है आज, आज सभी लोग ना रील्स का अभी करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग गेम राउंड के आगे चलेंगे, तो आइए जानते हैं अभी कौन सा गेम राउंड होने वाला है। जैसे भी रील्स अभी काफ़ी चल रहे हैं,
तो हमने सोचा कि चलो प्रैक्टिस करके तो हर कोई करता है, इस बार रील्स का हम ऑन द स्पॉट रखेंगे, इन लोगों की टाइमिंग दिया जाएगा, जिसने जल्दी जिसने कम टाइम में टाइमिंग में अपना रील तैयार किया है दे आर द विनर्स। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर ग्रुप। थैंक यू पुष्पा। फ्लावर समझा क्या? फ्लावर ने फायर होता फायर। हाय एवरीवन, मैं यहाँ पे हैदराबाद में, मेरा कोई सोशल नेटवर्क नहीं था और अनीता जी से मिलने के बाद यहाँ पे मेरे को ये मैसेज देना है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सही है, सारी इतनी सारी लेडीज़ को जानने का मौका मिला है और थैंक्स टू अनीता जी कि उन्होंने आज मुझे भी इनवाइट किया है यहाँ पे एंड दिस इज़ द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू टुगेदर एंड टू शेयर एंड टू लाफ। थैंक यू। इन शॉर्ट दिस इज नॉट अ किटी, दिस इज अ जस्ट फन मस्ती विद द गर्ल्स एक्चुअली एंड आई लव दिस ओनली। वेलकम टू पावरपफ गर्ल्स। अरे बस ये कितना एक्चुअली हम लोग टीम एवरी सीजन के हिसाब से हम लोग टीम फॉलो करते हैं, तो आज समर के हिसाब से हम लोग सब लोग फ्लोरम में आए सब लोग एंड आई बिकेम द बर्ड ऑफ आवर ईयर टुडे। हरियाली फैलाने आए हैं। सो सबको बहुत गर्मी, इधर हॉट गर्ल्स के बीच में सबको बहुत गर्मी गर्मी हो रहा है, तो हम लोग सबको थोड़ा ठंडक पहुंचाने के लिए, सिटी में थोड़ा ठंडक पहुंचाने के लिए सब लोग मिडिल ऑफ द सिटी में, हम लोग अभी थ्रिल सिटी में है तो सब लोग मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत ठंडे ठंडे दिख रहे हैं अभी। थैंक यू। हम थ्रिल सिटी में छोटी छोटी चिड़ियाँ चहकने आई हैं, है ना, चहकने आई है फ्लावर बटरफ्लाई बटरफ्लाई सारे थ्रिल सिटी के पेड़ में हम सब बटरफ्लाई बनकर आई हैं, बटरफ्लाइज कलरफुल बटरफ्लाइज। हेलो, आई एम मोनिका अग्रवाल, आई एम होम मेकर। मैं ये ग्रुप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी, आई एम हैप्पी विद दिस ग्रुप एंड वेरी हैप्पी टू सी द सिटी चैनल एंड टू टॉक इन सिटी चैनल। थैंक यू। दोस्तों अभी हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी हम रेजिंग आर्ट गेम शुरू कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं अनीता जी से ये गेम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एक्चुअली रेजिंग आर्ट एक कला है, आज हम लोगों ने वो प्रोग्राम रखा है ताकि हमारे गर्ल्स एंटरटेन के साथ कुछ सीख सके, एंटरटेन भी हो और साथ में कुछ सीख सके, अपने बच्चों को भी कुछ सिखा सके, अपने घर को भी डेकोरेशन कर सके, तो आज हम लोगों ने रेजिंग आर्ट का प्रोग्राम रखा है। तो आज हमारे बीच में आई है सोनल शाह, वो हम सभी को रेजिंग आर्ट सिखाएगी। सोनल सोनल प्लीज स्टैंड अप। सोनल शाह ये बहुत ही कला में माहिर है, पेंसिल शेडिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग तक सारे आर्ट्स इन्हें आते हैं और साथ ही साथ इन्हें मड आर्ट, रेजिंग आर्ट, थ्रेड आर्ट वर्क, ग्लू गन वर्क, मार्बल प्रिंट, गोल्डन एंड सिल्वर फॉइल वर्क, सीमेंट वर्क एंड पोट्री भी सिखाते हैं। ये सिखाते सिखाते ऑर्डर भी लेते हैं। सोनल शाह इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9696766530। आप सब इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी ये रेजिंग आर्ट सिखा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को रेजिंग आर्ट सिखाने जा रही हूँ, तो उसका एक डेमो दूंगी और मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं एक फ़ाइन आर्टिस्ट प्रिंट मेकर हूँ और रेजिन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, उसका जो गॉर्जियसनेस है वो सबको बहुत पसंद आ रहा है। हम लोग रेजिन का छोटी सी छोटी चीज़ लेके बड़ा सा बड़ा टेबल, डाइनिंग टेबल, बड़े बड़े स्टोन्स, मतलब वॉल को भी आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा की चेन होल्डर आपको एक दिखाऊंगी ओशियन थीम में। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने देखा सोनल शाह जी ने हमको इंटरटेनमेंट के साथ साथ घरेलू ज़रूरतों के साथ साथ जो घर की सामान से हम लोग इयररिंग्स भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, तो आज हम लोग गेम्स के साथ फन के साथ कुछ सीखेंगे भी। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हमको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अभी रेजिंग आर्ट सिखाया जा रहा है, यहाँ हमारे बीच सोनल शाह आई है, वो अभी सभी को रेजिंग आर्ट सिखाएगी। सोनल शाह, सोनल शाह, दिस इज सोनल शाह फ्रॉम डेयरी फार्म रोड। थैंक यू। मेरे पास जो रेजिन है वो 3:1 का रेशो का रेजिन है, उसमें हम लोग अल्कोहल क्ले, एक्रेलिक कलर, आज मैं आप लोगों को बीच थीम का रेजिन आर्ट सिखाने वाली हूँ,
तो बीच में से मैंने ये सेंड लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए नेचुरल शेल है, मैं ये सब इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ। अभी ये रेजिन है वो एक केमिकल है, तो हम लोगों को कुछ भी अगर स्किन को टच होता है तो हमें उसको अल्कोहल से उसको क्लीन करना होता है। तो बी केयरफुल, हैंड ग्लव्स इट्स अ कंपलसरी फॉर लर्निंग एंड डूइंग दिस थिंग। दिस इज अ ब्लोअर आई एम यूजिंग इन दिस फॉर ब्लो। एक्रेलिक कलर है वो जो नेचुरल नहीं होते, एक्रेलिक कलर है वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें मेरे पास जो मैं एक रेजिन यूज़ करती हूँ वो 3:1 का रेशियो है, तो वो रेशियो के हिसाब से मैं आप लोगों को मिक्स करना है। 3 इज द रेजिन एंड 1 इज द हार्डनर। फॉर सेफर साइड वी हैव टू मिक्स एटलीस्ट 5 मिनट। कंटिन्यू मिक्स इट टिल 5 मिनट्स। ये वैसे नॉर्मली हॉट होता है बोतल में? नहीं नहीं नहीं, बोतल में हॉट नहीं होता है ये। जब हम लोग इसके अंदर हार्डनर मिक्स करते हैं तब वो हॉट हो जाता है। ओके, इट्स 5 मिनट। कैन आई टच द ग्लास? कैन आई टच स्लोली? इसका हीट स्टार्ट हो गई है, इट मीन्स के ये मिक्स अच्छी तरीके से प्रॉपर हो गया है। अभी यहाँ पे मैं, तो मैम ये कॉस्टली होता है क्या मार्केट से हम लेते हैं तो? मार्केट से नहीं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है। okay. तो वो हिसाब से, मगर रेजिन इटसेल्फ बहुत कॉस्टली होता है। So it will be thick or thin? Thin ma'am. अभी मैं इसके अंदर और रेजिन डालूंगी, मगर एक साथ ज़्यादा रेजिन के अंदर हम लोग एक्रेलिक डालते हैं तो मिक्स अच्छा नहीं होता है। सेम थिंग्स हम लोग अपने किचन में करते हैं ना, कि पहले थोड़ा सा पोर्शन करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग मिक्स करते हैं। सेम थिंग्स थोड़ा थोड़ा ये करना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आप उसके अंदर और रेजिन पोर करिए। उसको भी मैं रेजिन को मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग में अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ तो ये अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट, और इसमें मुझे थोड़ा सा ओपेक थिंग्स चाहिए था, तो इसलिए मैं इसके अंदर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें रेजिन का ट्रांसपेरेंट कलर के लिए भी आता है कलर, सो वी कैन यूज़। ये ट्रांसपेरेंट कलर है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं बाद में यूज़ करूँगी, अभी मुझे ओशन की डीपनेस दिखानी है इसलिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से ये ब्लो हो रहा है और उसका ओशन का जो हमारा वेव्स होता है उसका, ये एक तरीके का केमिकल है तो कैसे भी हमें उससे दूर रहना है। ओपन प्लेस है करके मास्क नहीं पहना है, मगर मास्क भी उतना ही कंपलसरी होता है। आप देख सकते हैं, देखो कैसे फैल रहा है, ग्रीन के ऊपर येलो का शेड जा रहा है। नेचुरल लुक के लिए ग्रासेस के ग्रास के लिए ये इफेक्ट वाला हाई रहती है। देखो ये नेचुरली ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये ग्रास को बस हमें पोर कर देना है तो नोशन के बाजू में जो ग्रीनरी होती है वो अच्छी तरीके से दिखती है। नहीं, थोड़े आते हैं वो ब्लोअर से हमें हीट कर, माचिस है तो मैं दिखाती हूँ, लाइटर है इन लोगों के पास तो मैं करा दूँ। इसकी जो बॉर्डर होती है हमें, कितना टाइम लगेगा मैम इसको? 24 आवर्स। तो मैम इसको हमें ऐसे ही लेके जाना होगा? हाँ, विद इन अ 5 आवर्स आई मीन वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैम आप कुछ बना बनाया दिखाएंगे हमें इसका? यस मैं दिखा सकती हूँ। इसका भी हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, एज अ कार हैंगिंग भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग डेकोरेटिव पर्पस भी यूज कर सकते हैं, सेम थिंग्स की टेक्स भी बना सकते हैं। और ये रिंग्स बनाए हैं, वो रेजिन आर्ट है, और एक रिंग बनाए हैं। सो मैम आर यू टेकिंग क्लासेस एट होम? यस, हाँ मैं घर पे क्लासेस लेती हूँ। इसके अंदर हम लोग लाइव फ्लावर का भी यूज कर सकते हैं,
जिसका ड्राई करने का एक मेथड होता है, जिसको हम ड्राई करके इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये रेजिन यूज़ करने के उसमें हम लोगों को पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जैसे ही पानी वाले फ्लावर इसके अंदर ऐड होते हैं, फ्लावर के कलर चेंज हो जाएंगे। तो हमें पहले उसका ड्राई करना है, उसके बाद ही हमें इसके अंदर लाइव फ्लावर का यूज़ करना है। इसके अंदर मैंने मधुमालती फ्लावर का यूज़ किया है। हम सब लोग ये हमारे समर में आते हैं। ये है सर्विंग ट्रे, जो ओपेक कलर एंड ट्रांसपेरेंट कलर एंड गोल्ड फ्लेक्स से बनाया हुआ है। दिस इज़ आवर सर्विंग ट्रे, हॉट एंड कोल्ड वी कैन यूज़, आपका मर्जी, बिकॉज 3-4 ग्लास का है मैक्सिमम, वी हैव अ 200 ग्राम्स आई मीन एमएल। ट्रे का मोल्ड भी होता है? हाँ, ट्रे का मोल्ड होता है और हम लोग खुद मोल्ड भी बना सकते हैं। ये सब मोल्ड, थोड़े बहुत मोल्ड मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज एक मटेरियल आता है जिसका नाम सिलिकॉन है, उसे हम लोग अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का हम उसका मोल्ड बना सकते हैं। ओके मैम, अभी मैंने नहीं लेके आई हूँ, बट अगर आपको बाई करना है तो 100% यू कैन कम एट माई स्टूडियो एंड आप देख के आप बाई कर सकते हो। इसको हम लोग, मैंने ये तीन चीज़ का इसमें यूज़ किया है। जो ये हैंडल है वो भी रेजिन का है, ये गोल्ड फ्लेक्स है, ओपेक कलर वाइट कलर है, गोल्ड का, हाँ 24 कैरेट गोल्ड का फ्लेक्स डाला है और ये ट्रांसपेरेंट रेजिन है। तो ये जो बनाया हुआ है इसके अंदर, ये मेरी क्रिएटिविटी है। अभी इसके अंदर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, इसमें क्ले का यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्लावर का, अभी जो भी आइजम है उसका वेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेट बोल पाऊँगी कि क्या कितने का बनता है। स्टील का अभी कितना होगा? अभी ये आप लोगों को ये ग्लासेस वो सब आपको दे दूँगी, रेजिन भी मेरे पास अवेलेबल है। इफ़ आप लोगों के पास भी रेजिन है तो आप लेके आइए, नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज़ डेट। और आपकी जो ओल्ड मेमोरीज है बचपन का, कोई आपने आपके हस्बैंड ने किसी ने आपको रोज दिया है या मैरिज का गार्लैंड है, कुछ भी है, आप इसको सेव कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा सोनल जी ने हमें बहुत ही क्रिएटिव वर्क करके बताया, ये बेचती भी है और सिखाती भी है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आर्टवर्क आज हम लोगों को सिखाया है। थैंक यू सोनल जी। थैंक यू सो मच अनीता जी, गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शो माय आर्ट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड, थैंक यू। ये मोबाइल कवर है जो मैंने बनाया हुआ है, जो यूवी रेजिन से बनता है। ये रेजिन है, वो डिफरेंट रेजिन है, ये रेजिन है, यूवी रेजिन है। इसको ड्राई करने में हम लोगों को एटलीस्ट 24 आवर्स चाहिए, इसको ड्राई करने के लिए 2 मिनट्स चाहिए, मगर इसके लिए हमें यूवी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कुछ क्विक बनाना है तो यूवी लाइट की हेल्प से ये यूवी रेजिन यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो मैम रेजिन बहुत तरह का आता है क्या? अलग अलग बहुत तरह का आता है। अभी हार्डनर के हिसाब से आप अगर रेजिन का देखते हैं तो 2:1, 3:1, 1:1 वैसा आता है, जिसमें हमें मिक्स करना होता है। बट यूवी रेजिन रेडी टू मिक्स रहता है, बट उसका लाइफ कम होता है, लाइफ इट मीन्स कि ड्राइंग लाइफ कम होता है। तो उसको विद इन अ 2 मिनट्स में हमें सेट कर देना होता है, कि जैसे ही सेट होता है हमें उसको लगा देना है। तो आपकी स्वीट बढ़ने के बाद आप यूवी वर्क कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से वर्क बाहर आता है। तो ये टाइम पे आपको हैंड से टच नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है और एक कोई बॉक्स है वो उसको लगा देना है। अदरवाइज अपने बाल है, एनवायरमेंट का कुछ भी कचरा है, वो सब इसके ऊपर लग के पेस्ट हो जाएगा। तो हमें इसको अभी संभाल के रखना है, इसको कुछ भी डस्टिंग नहीं होना है, तो हमें इसको कवर कर देना है बस। तो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट राउंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे पास तंबोला के टिकट्स है, तो आइए जानते हैं तंबोला की शुरुआत कैसे कर रहे हैं मैम। ये अप्रैल फुल का तंबोला मैंने बनाया है, मैंने खुद क्रिएट किया है। आज के थीम के बेसिस के अकॉर्डिंग ये तंबोला बनाया गया। लेट्स प्ले तंबोला। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत महिलाएं तंबोला खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, तो मैं भी बहुत ही उत्साहित हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं तंबोला गेम बहुत ही खूबसूरत लेडीज के साथ। आज हम लोग को बहुत ही कीमती वक्त मिला है, हम लोग को पावर पफ गर्ल्स
किटी में टाइम स्पेंड करने के लिए, और हम लोग को ये टाइम मिलने के लिए बहुत टाइम से वेट करते हैं। और अप्रैल फूल किसी को नहीं बनाया, अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहला अप्रैल फूल हम लोग शालीमार को बनाना है। और हम लोग यहाँ आके बहुत पेट पूजा तो इतनी हो गई है हम लोग को, और एंटरटेनमेंट अभी बाकी है। तंबोला अप्रैल फूल का है, तंबोला खेलने जा रहे हैं, और यह स्पेशल अप्रैल फूल का स्पेशल तंबोला है। तो देखेंगे कौन फूल बनेगा और कौन फूल बनेगा। तो हम लोग गार्डन गार्डन बहुत बहुत आभार है अनीता जी का, जो उन्होंने इतना टाइम निकल के हम सबके लिए ये माहौल बना रही है, उतनी मेहनत वो कर रही है। और ये है हर्षा पटेल, और ये है निहारिका। एक्चुअली मेमो पावर पफ गर्ल्स इज ओक किटी, एवरी मंथ ओक टीम उंटुंदी, आ टीम फॉलो अवुतामु। సో ఈ రోజు మాకు సమ్మర్, ఈ రోజు మాకు ఫ్లవర్స్ పూల్ ఫ్లోరల్ థీమ్, ఈ రోజు మాకు ఫ్లోరల్ థీమ్, అందరు ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ అయ్యి వచ్చారు, మొత్తం డ్రెస్సెస్ అంతా ఫ్లవర్, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ గార్డెనే కనిపిస్తుంది. సో మేము ఈరోజు మా హస్బెండ్కి చెప్పేసి వచ్చాము మాకు ఈరోజు డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు అని. అది అసలు ఒక్క కాల్ కూడా రాలేదు, ఎందుకంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు పిక్ ద కాల్. యాక్చువల్లీ ఇదేంటంటే ఒక లేడీస్ గురించి గేమ్ ఆర్గనైజ్ చేశాము. చాలా మటుకి ఇక్కడ అందరూ హౌస్ వైఫ్స్ అట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే కొంచెం ఇంట్లో ఉండి ఉండి బోర్ కొడుతుంది. సో ఎవ్రీ మంత్ ఇదేంటంటే మేము అందరు లేడీస్ ఎవరైతే అంటే కొంచెం ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చి కొంచెం ఎంటర్టైన్ గురించి అనేసి ఎదురు చూస్తున్నారో, మేమందరం వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి వాళ్ళని అందరినీ బయటికి తెప్పించి, సో ప్రతి ఒక్క గేమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా ప్రతి వాళ్ళని ఎన్కరేజ్మెంట్ చేస్తుంటాము. సో అలాగే అందరు లేడీస్ కూడా అదే విధంగా వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది బాగా చూపిస్తుంటారు. సో మేము ఏ థీమ్ అయితే చెప్తామో కరెక్ట్గా ఆ థీమ్ ఫాలో అవుతారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచిగా ప్రతిసారి కొత్త హోటల్స్కి కొత్త ప్లేసెస్కి చాలా బాగా ఎక్కడ పిలిచినా అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ వెహికల్స్లో మంచిగా వస్తారు. థీమ్ ఫాలో చేసిన వాళ్ళకి ప్రైజెస్ ఉంటాయి, థీమ్ ఫాలో చేసిన వాళ్ళకి. అండ్ తంబోలా ఇప్పుడు తంబోలా ప్లే చేసిన వాళ్ళకి, అండ్ ఈరోజు పెయింటింగ్ నేర్పించారు. ఈవెన్ వీ హావ్ లెర్న్డ్ ఈవెన్ దాట్ ఆల్సో. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों आइए जानते हैं इन ब्यूटीफुल लेडीज से, पूछते हैं इन्होंने आज के प्रोग्राम का कितना लिफ्ट उठाया. हेलो मैम. हाय, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हमने बहुत गिफ्ट्स भी जीते, इट वाज वेरी नाइस. माय सेल्फ मोनिका अग्रवाल, आज का प्रोग्राम टू गुड था और बेस्ट था, बहुत एंजॉय करे. मेरा नाम माया अग्रवाल है, आज का प्रोग्राम मैं बहुत एंजॉय करी हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, हालांकि अच्छा एंजॉय करी. दो दो गिफ्ट जा रहा है, अप्रैल फुल, दोनों ने बहुत फुल लोगों को बनाया है. टिकट कहाँ है कि इनका टिकट नहीं मालूम. अप्रैल फुल का गिफ्ट इन्हें जाता है अर्पिता जी को. आपका न्यू नेम अर्पणा जी को बहुत अच्छा लगा. अप्रैल फुल का गिफ्ट जाता है, अप्रैल फुल का गिफ्ट जाता है अर्पिता जी को. अर्पणा 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 बोली नाम बोलो. थैंक यू सो मच, बहुत एंजॉय. अरे नहीं देरी, ये लोग जा रहे हैं इसीलिए देरी, पहले लंच कर लो सब लोग. ये लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो इसीलिए लोग फर्स्ट निकाल के दे दी. ये लोग अभी न्यू हमारे मेंबर बने हैं, रीजॉइनिंग ज्वाइनिंग के लिए मैंने इन लोगों को गिफ्ट दिया है. माया मोनिका हमारे क्लब की न्यू मेंबर मोनिका, इन्होंने रीजॉइन किया है, बहुत पुरानी है, फ्रेंड फ्रेंड कम बहन ज़्यादा है, बहन से बढ़ के मुझे तो. पावर ऑफ गर्ल मैं आज मेंबर बनी, बहुत अच्छा है, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते मैडम
हमारा टॉपिक है, पहले की जो महिलाएं थी वो साज, श्रृंगार, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, माथे पे बिंदी और पैर में बिछिए पायल 16 श्रृंगार करती थी। लेकिन आज की जो ट्रेडिशनल नारी है वो किस वजह से सारी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रही है, या तो उन्हें वक्त नहीं मिल रहा, या तो वो सोसाइटी के हिसाब से अपने को उसमें ढाल रही है। पहले क्या था, हम कोई भी लड़की को देखते तो हाँ वो सुहागन है या नहीं है या बैचलर है, हम फट से जान लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, महिलाएं थोड़ा ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, महिलाएं सुहागन ही है नहीं हमें वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि शादीशुदा और बगैर शादीशुदा एक ही ट्रेंड से जा रहे हैं। तो पहले जो 7 श्रृंगार महिलाओं का 16 श्रृंगार रहता था अपने पति के प्रति जो सिंदूर बिछिए माते सब करती थी, आज वो कहाँ चले गई परंपरा, हम संस्कृति में चूक गए या हमारी परंपरा चूक गई या हम कहीं शिक्षा में आगे पीछे हो गए। जैसे माता पिता चल रहे हैं वैसे उनके बच्चे भी चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे से चूक कहाँ हो रही है समाज में। मेरा नाम मारिया है, पावरपफ गर्ल्स की एक मेंबर हूँ मैं भी। एक्चुअली परंपरा हम लोग कहीं भी नहीं छूटा है हमसे। हम लोग मतलब सब चीज़, मतलब एक हाउसवाइफ कैसी रहती है हमको पता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। मैं मैरिड हूँ, मतलब बिंदिया चूड़ी जो भी है फंक्शन के हिसाब से हम लोग रेडी होते हैं। अभी कॉर्पोरेट लेवल के हिसाब से हम लोग जॉब के जाते हैं तो वो सोसाइटी और सराउंडिंग्स के हिसाब से हमको रेडी होना पड़ता है। तो बाहर कैसा हम लोग एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग रेडी होते हैं। वो पूजा में जाने से फिर वो 16 श्रृंगार हम करते हैं। तो कहीं भी लेडीज से कुछ भी नहीं छूटा, अभी भी लेडीज़ मॉडर्न है और बहुत अच्छा, मतलब हमारे सेल्फ को हम कैरी कर सकते हैं। बच्चों के साथ जाने से कैसा, फ्रेंड्स के साथ आने से कैसा आ सकते हैं, किटी में कैसा प्रेजेंट करने के लिए। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ वीमेन कैरीज वेरी नाइसली एंड शी नोज हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी व्हेन शी कम्स आउट विद अ फ्रेंड विद अ फैमिली एवरीथिंग। सो लाइक लेडीज आर वेरी मच एम्पावर्ड टूडे। सो आई गिव यू जस्ट टू पावरपफ गर्ल्स, थैंक यू सो मच। हाई एवरीवन, मेरा नाम बरखा है और मैं एकदम एग्री हूँ इनकी बात से, जैसा देश वैसा बेस। अगर हम आज डीजे पार्टी कर रहे हैं किट्टी में तो साड़ी पहन के नहीं आ सकते, और पूजा में जब जाते हैं तो मिनी स्कर्ट पहन के नहीं जा सकते इसीलिए। और ये सारी चीज़ें हम आज भी फॉलो करते हैं, बिंदी हो, बिछिए हो, रिंग, बैंगल, ये सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इसीलिए ये सब पहना जाता है और हम आज भी फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी फॉलो, क्योंकि ये किसी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है। हम बहुत मानते हैं भगवान में, बट ये सारे पॉइंट्स एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं इसलिए। और मतलब हर एक प्लेटफॉर्म एक एम्पावर करने के लिए, जैसे उन्होंने बोला, और आगे भी बहुत सारी विमेंस एम्पावर हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये पावर ऑफ गर्ल्स का ग्रुप ऐसा है जो डल आते हैं, फ्रेश होके घर अपने चले जाते हैं, दैट्स ग्रेट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति अग्रवाल। यहाँ पावर पफ गर्ल्स में हम ये भी साबित कर रहे हैं कि लोग कहते हैं आजकल की महिलाएं ट्रेडिशनल मेकअप नहीं करती, चूड़ी बिंदी नहीं लगाती, क्या हो गया है महिलाओं को। लेकिन आजकल की महिलाएं वो सब कुछ कर रही हैं जो पहले की महिलाएं करती थी, बल्कि उनसे भी ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। वो बाहर निकल कर जॉब कर रही है, अर्निंग कर रही है, उसके बाद अपने परिवार का भी ख्याल रख रही है, अपने बच्चों का केयर कर रही है और बच्चों को एजुकेटेड बना रही है। इसलिए मेरा सोचना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेडिशनल मेकअप में बंधे रहें, ट्रेडिशनल गहनों में बंधे रहें, बल्कि मॉडर्न दिखते हुए भी हम वो सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। हम आज की नारी हैं, आज के भी ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, पहले के भी फॉलो करते हैं। आज की नारी है जो पहले के ज़माने का भी फॉलो करती है। पहले के ज़माने में कपड़े ये सब वो अलग बात है, आज के ज़माने में कपड़े सब लोग अलग पहनते हैं वो भी अलग बात है, मगर मेंटली जो लोग फ्रीडम से फील करते हैं और अपनी मन चाहा काम करना है, मन चाही बातें आगे करनी है, हमें आगे बढ़ने के लिए जो
वुमन्स ही वुमन्स को जो हेल्प कर रही है वही सबसे बेस्ट थिंग्स है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले के ज़माने में सब लोग ये करते थे, आज के नहीं कर रहे। मैं खुद अभी भी वेस्टर्न पहन के भी मैं बिंदी को उतना ही प्रेफरेंस देती हूँ और मैं अब मेरी ट्रेडिशनल वे को बहुत एडमायर करके मैं उसको फॉलो करना चाहूँगी। थैंक यू। दोस्तों अभी हमारे साथ पावर पफ गर्ल एक अच्छा सा सॉन्ग गाने वाली है, तो प्लीज आइए मजा लेते हैं गाने का। मेरे जैसा यार कहां, कैसा है ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी बैठा दिया फलक पे तुझे हाथ से उठा के, यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे ऐसा चलेगा अपने लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, कहीं तो यारे किसी किनारे मिल जाए तो मरे हमारे, पर बम फेर के हम दीवाना दिल मिलते हैं प्यारे किसी किनारे मिल जाते सारे हमारे, अच्छा सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम, हिप हिप हुर्रे पावर पफ गर्ल, हिप हिप हुर्रे। तो दोस्तों अभी आपने देखा पावर पफ गर्ल का पावर, आज बहुत ही मनोरंजन प्रोग्राम हुआ, आज सब खूबसूरत महिलाओं ने रॉक किया है, तो इसी तरह के मनोरंजन हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय, देखते रहिए सिटी विजन लाइव। थैंक यू टू सिटी विजन दीदी फॉर द ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू शालीमार, आपके सिटी विजन से हम लोग सब चमक गए। थैंक यू सो मच शालीमार, थैंक यू सो मच सिटी विजन, थैंक यू। Thank you so much, great platform. Thank you. Thank you, Shalimar. You are the great anchor. Love you so much. Love you, City Channel. Thank you, City Channel and Shalimar ji. Thank you. Thank you for cameraman and photographer also. आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं जो हम लोगों को झेले, इतने सारे लोगों को झेले। वन टू थ्री हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो अभी आपने देखा पावर पफ महिलाओं का जोश, इंटरटेनमेंट। दोस्तों महिलाएं 365 डेज काम करती है, लेकिन सिटी विजन के जरिए हम इनको एक दिन के लिए रिलीफ देते हैं ताकि ये घर बार भूल के अपना मनोरंजन कर सकें। हमारा मोटिव यही है कि महिलाओं को हम किस तरह से इंजॉयमेंट कराएं, हर महिला को हक है कि वो 365 डेज में एक दिन कम से कम इंजॉय करो। तो इसी तरह के इंजॉयमेंट आपके सामने लाते रहेंगे, देखते रहिए सिटी विजन लाइव। पावर पफ गर्ल हिप हिप हुर्रे, पावर पफ गर्ल हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।